हम उतनी कुछ सुंदर लाइन बोल के स्टार्ट करी का मोटिवेशनल तो नहीं है आज का टॉपिक क्या यादव होयसल कदम गंग और काकतीय द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने किया था हम लिखे हैं मिलम पंचम जौन हो देवगिरी के यादव की राजधानी कहाँ थी देवगिरी यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था सिंहन था अब इसका कार्यकाल था 1210 से 1246 वाह गजब हम उतनी बजा दी देवगिरी के यादव का अंतिम स्वतंत्र राजा कौन था रामचंद्र अलाउद्दीन के सेनापति कौन था जिसके सामने रामचंद्र ने आत्मसमर्पण किया था हजार दिनारी मलिका कपूर होयसल वंश की स्थापना किसने किया था विष्णुवर्धन बेलूर में चेन्ना के सौ मंदिर का निर्माण किसने किया था विष्णुवर्धन ने कब किया था 1117 गजब 1117 होयसल की राजधानी कहाँ थी होयसल की राजधानी थी द्वार पर अगर जो समुंदर खुदवा दिया तो क्या हुई सब कोई डूब के मरना जी द्वार समुद्र जो कि आधुनिक हलेविड होयसल का अंतिम शासक कौन था उसका अंतिम शासक था एक नाम था किसमें था खल्लाटक का उल्टा है बल्लाल तृतीय वीर बाल तृतीय को किसने हराया था मलिक काफूर ने हराया था कदम वंश की स्थापना किसने किया था कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने किया था कदम वंश की राजधानी कहाँ थी कदम वंश की राजधानी वारंगल थी कोलार हकुलार उसका कुछ नाम है दूसरा कुछ नाम है वो नहीं पता है रामजी काथी ले रहन रामजी अज्ञातवास कदम वंश की राजधानी बनवासी था गंग वंश का संस्थापक कौन था गंग वंश का संस्थापक अरे वज्रहस्त पंचम अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कौन था कोंकणी वर्मा गंगो की प्राथमिक राजधानी कहाँ थी कालेर अच्छा याद करे के आसान तरीका बा गंगो की बाद में राजधानी कौन बना कालेर के बाद वारंगल फिर से देखिए लोग तलकाड तलकाड था काकतीय वंश का संस्थापक कौन था काकतीय वंश अरे अच्छा नाम है बस अल्फा बीटा थीटा गामा बीटा प्रथम नलगोंडा का गठन यानी स्थापना या गठन किसने किया था जो कि हैदराबाद में
गोंडा का हैदराबाद में है एक छोटा सा गांव या कुछ भी पता ना, यही किया था बीटा प्रथम नलगोंडा। काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका था वारंगल था ना। एकर कहाँ बोले एकर स्थानांतरित होल बा वारंगल कहाँ था? काकतीय वंश की राजधानी अमकोंड। अच्छा हाँ अमकोंड था। रुद्रदेव महाराज का नाम किसने ग्रहण किया था? अरे रुद्र द्रामणी ऐसे कुछ अथी गणेश की पुत्री ना अथी हाँ गणेश है गणपति गणपति की पुत्री नाम रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी। काकतीय वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? गणपति था। गणपति सबसे शक्तिशाली गणपति था। रुद्रमा देवी ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 35 वर्षों तक। गणपति ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया? वारंगल। ई था वारंगल। काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? रुद्र दामन प्रथम। उसमें कौन सा कुछ ना लास्ट में रुद्र है, पहले प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र देव। बस लास्ट और अंतिम क्वेश्चन फिनिश खत्म। तो कितना था क्वेश्चन? ढेर डाल रखी है कि याद करने नानी दादी सब तो याद आ जाता है यार। मजा इधर सब आई तो दिल्ली सल्तनत आई आधुनिक इतिहास आई वो सब एक दिन में याद हो जाए। एक दिन में पूरा मुगल साम्राज्य खत्म, एक दिन में लोदी सब खत्म। सब अजीब अजीब बात सुन इस समय मतलब शुरू से हम लोग नहीं पढ़े नहीं सकते। चलिए ऑप्शन वाला 10-15 को पूछल क्वेश्चन 15 तक हुआ था ना। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि आज का पहला केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन माइक दो। हाँ, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है किस तारीख को? डॉल्फिन डे 9 अगस्त। UPPCS सामान्य शब्दों में डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 9 अगस्त। क्वेश्चन पहले हुआ है डॉल्फिन दिवस, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन संग्रहालय कहाँ है? डॉल्फिन पटना में। ठीक है, उसका उद्घाटन कौन किया था? नीतीश कुमार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? 136। आंसर आ गया था ऑप्शन कह रहे थे, ये भी UPPCS का पूछा हुआ प्रश्न। नेक्स्ट, मार्च 2022 में प्यूटो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी? मिस वर्ल्ड पूजा पटेल। ऑप्शन ऑप्शन बता देना कश्मीर की है। बोला ऑप्शन दूसरे देश की है कि नहीं है? किरोना बिलास्का, टोनी ए सिंह, ओलिविया यासे या श्री सैनी। क्रोलिना बिलावास्का। ठीक, ये 2022 में प्यूटो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की 22 में आयोजित हुआ, 2021 के लिए दिया गया। अच्छा। मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स मिस है हरनाज संधू। लेकिन अभी 2023 अभी उसका नाम क्या है? गिब्रेली। हाँ, ऐसा ही कुछ है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? बेंगलोर। क्वेश्चन को फिर से बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? UPPCS का भी पूछा हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन ए जाफना श्रीलंका, बी जामनगर भारत, सी जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका या डी हरिद्वार भारत। हरिद्वार भारत। दक्षिण अफ्रीका जोहानसबर्ग। जोहानसबर्ग में श्रीलंका। जामनगर
भारत यानी कि जामनगर में औषधि केंद्र स्थापित कर जाता है। औषधि केंद्र आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ बा? अरे देहरादून शिमला शिमला में आलू हो गया जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लोग, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? कथन नंबर एक, बिम्स्टेक फुल फॉर्म याद करें मैं उतनी बोल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टीटास्क बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल की टेक्निक कुछ है टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी आगे तीर को छोड़ दिया बहुत बार कर चुके हैं। चलो तो हम क्वेश्चन का था कि बिम्स हम भी रटे थे भोर पर आ गया बाकी फिर बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? कथन नंबर एक, पीएम नरेंद्र मोदी ने पांचवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। सही चुनना है कि गलत? सही। अच्छा दूसरा, पांचवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की? दोनों सही है। दोनों सही है, भारत ने इसकी अध्यक्षता की और इसके इसको संबोधित नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? थी दिल्ली। ऑप्शन दे दें, मुरादाबाद, पटना, कोटा, इंदौर। मुरादाबाद, पटना, कोटा, इंदौर। फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर मुरादाबाद, ठीक है। यूपीपीसीएस का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा? हवाई अड्डा इंदिरा गांधी नेशनल। अच्छा हवाई अड्डा भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा। ऑप्शन दे बता रहे हैं, ए कोचीन, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई या डी अहमदाबाद। दिल्ली ना, दिल्ली तो अहमदाबाद रुकिए, लेकिन चेन्नई कोचीन होगा। दिल्ली हमको भी लगा होना चाहिए, चेन्नई चेन्नई आंसर दिया है। चेन्नई दिल्ली सॉरी कोचीन कोचीन दिया है, पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले तीन राज्य कौन से हैं? क्वेश्चन फिर से, कर्नाटक, महाराष्ट्र। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत मतलब कि बढ़िया प्रदर्शन करने वाले टॉप थ्री राज्य। ऑप्शन दे दें, ए ऑप्शन देते समय आंसर सोच लिया लोग, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बी पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सी मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, डी गुजरात, केरल, पंजाब। ए ऑप्शन डी। वाह वाह रोहित वाह, डी सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात, केरल और पंजाब, एक नंबर पर गुजरात, दो नंबर पर केरल, तीन नंबर पर पंजाब। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले दो वर्ष में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि की है? हैदराबाद ने, तेलंगाना। हैदराबाद किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश होने के नॉर्थ ईस्ट के कौन राज्य ये को पूछा जाता भाई साहब? हाँ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के राजधानी वृद्धि में सबसे एक नंबर पर आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सब यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। एक नंबर, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में शुरू हुआ था। दूसरा है, इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। मैंने कौन सही है? हाँ दोनों में से कौन सही है? दोनों सही है। एक सही है कि दो सही है कि दोनों सही है? दोनों दोनों सही है। मेक इन इंडिया 2014 में शुरू किया गया था। हाँ इसका उद्देश्य है भारत में विनिवेश को बढ़ाना, विनिर्माण हेतु मतलब का कह लेला, हाँ निवेश को बढ़ावा देना, ठीक। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
सितंबर ठीक है 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें 45वें नहीं ना पूछें अगला क्वेश्चन कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया था किसके द्वारा निर्मित है, यानी कि सामान्य भाषा में कोविशील्ड को किसने बनाया। BPSC में क्वेश्चन पूछा है पुणे इंस्टीट्यूट ऑप्शन सुन लीजिए सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक पेनेसिया बायोटेक या जाइडस कैंडिला। सीरम तो कोवैक्सीन बाटे वो कोविशील्ड बाटे बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड आ कोवैक्सीन भारत बायोटेक ठीक तो बायोटेक हो ना कोविशील्ड पूछलन हाँ तो सीरम इंस्टीट्यूट होगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे हाँ कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट आ कोवैक्सीन भारत बायोटेक। अटल सुरंग जो कि रोहतांग या हिमाचल प्रदेश है बाखा चला है अटल सुरंग की लंबाई कितनी है जो कि हिमाचल प्रदेश और रोहतांग को रहता है नहीं क्या पता दू दू से आस पास तो नहीं जा लोग आसो पास तो जीवा लोग अटल सुरंग ऑप्शन दें ए 8.02 किलोमीटर 9.02 किलोमीटर 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग का अटल सुरंग की लंबाई है। ये भी क्वेश्चन BPSC का है। BPSC खत्म कर दिया 4-5 का क्वेश्चन बा सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है नाम नहीं का सुन लेगा ऑप्शन सुन नाम सुन आजी यो BPSC का क्वेश्चन है। एक नंबर नई दिल्ली में एक IT पार्क का निर्माण करना बी एक आम केंद्रीय सचिवालय साथ एक नई संसद प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण सी सुन लो क्वेश्चन आप सुना तो सुन लो नई दिल्ली में एक वाणिज्यिक क्षेत्र का निर्माण करना या डी सभी मंत्रियों के लिए आवासों का निर्माण करना। ऑप्शन बी सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट जिसमें संसद तथा वो जितना क्या कहा क्या कहा जाए कनिक मशरूम भाषण मशरूम खाती रहे खाती जगह बनावल जी। नेक्स्ट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तारीख किस तारीख को शुरू की गई थी 1 जुलाई 2017 ऑप्शन सुन लीजिए 1 नवंबर 2017 1 जनवरी 2018 1 फरवरी 2019 और 1 अप्रैल 2020 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान योजना 1 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था PM किसान 19 में स्टार्ट हो रहा है 19 तो उठाओ तारा तब तो कहे ना बतलो 19 से मलाई चाहो तो लोग और ये खाली वो तो उठाओ ना भाई हम नहीं उठाओ ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था ओलंपिक भाला फेंक एगो सलाह दे याद रखे ओरिजिनल नाम ठीक बात ज्वाइन के एग्जाम में भाला फेंक दिले रहे चूंकि भाला फेंक हमारे जहाँ तक हो भी सकेला ना भी हो सकेला जेवेलियन थ्रो याद रखियो लोग जेवेलियन थ्रो तो इंग्लिश हो तो एग्जाम में ऑप्शन में तो आएगा भाला फेंक दी ये बात 100% सर्टेन मत रहियो हाँ ये हो सकता जेवेलियन थोड़ी मतलब बात कहनी है कभी कभी हाँ कभी डिस्कस हो कहीं देर लग बॉल कभी कभी ऐसा भी होता है जब क्वेश्चन हार्ड करना होता है तो एथिया का ही निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष का नामक आगे होता है इंग्लिश में दे देता है ल अच्छा दूसरा नाम है अभासी वो तो फेमस नहीं का समझ आला सा लेकिन हिंदी मीडियम वाला मायोपिया बाय मायोपिया दे दिनु तो हिसाब हो जाई तो बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 4-5 को क्वेश्चन है इसमें का हां टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 मतलब 20 का था 21 में था बताओ ऑप्शन देवे के पड़ी 66 कॉमनवेल्थ में उतना जीता था 18, 21, 22, 19 19 हाँ जिसमें से गोल्ड मेडल कितना था गोल्ड मेडल कितना गोल्ड था 7 गो 5 गो गोल्ड था
आई थी में क्या कहा ओलंपिक में कितना मेडल मिला था कितना आया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ पाइगसस स्पाइवियर किस देश में विकसित किया गया है इजराइल ब्राजील रूस चीन रूस इजराइल क्वेश्चन लिख ले अगला क्वेश्चन किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है ये थी रूस रूस ठीक है बीपीएससी का क्वेश्चन हाँ ठीक है रूस है हम अमेरिका पर मार दे बनी जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है किया मतलब वो तो काफ़ी दिन हो गया ये ठीक है क्या बोलते हैं राष्ट्रपति का अमेरिका के राष्ट्रपति का वो अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं 46 सवाल ठीक है चलिए बीपीएससी का सब क्वेश्चन था पाँच छः अब चले जाते हैं मिक्सअप क्वेश्चन पे एक पेज इसमें का पूछ लिया जाएगा का आइए 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 प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसने मतलब किसने इसको लॉन्च किया था प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसके द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था इसके संपादक कौन थे अरुण जेटली स्वामी विवेकानंद प्रबुद्ध भारत नेक्स्ट क्वेश्चन कर्नाटक का राज्य पशु भैंस बैल हाथी हाथी अरे बाप कब मैसूर से उसका नाम मतलब कब कर्नाटक का नाम मैसूर से कर्नाटक रखा गया 1969 नौवे में बांटे 1973 चार साल गड़बड़ा गया अच्छा 1973 में मैसूर का नाम बदल कर कर्नाटक कर दिया किसे मैसूर का शेर कहा जाता था टीपू सुल्तान ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विजयनगर बल्लारी लोता क्वेश्चन बता दिए विजयनगर किस जिला से अलग होकर बना है नया जिला बल्लारी विजयनगर हाल ही में एक जिला बनाया गया है कर्नाटक में ठीक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक देश ब्राजील ठीक है ब्राजील नेक्स्ट बांदीपुर नेशनल पार्क है ना बांदी हाँ बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है एमपी ना ना कर्नाटक बांदीपुर बने कुद्रेमुख बांदीपुर नागर होल बनेरघट्टा कुद्रेमुख कर्नाटक हाँ आंसी बांदीपुर बनेरघट्टा कुद्रेमुख ये सब कर्नाटक में है अब ये क्वेश्चन बताए लोग किसका चाहते नागर होल का नवीनतम मतलब नया नाम क्या है नागर होल नेशनल पार्क का नया नाम गुरु ना गांधी हाँ अरे राजीव गांधी नेशनल मतलब पूरा हिंट लगने का समझ गांधी नेशनल पार्क का हुआ राजीव गांधी नेशनल पार्क है यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है रोहित भैया बताइए कर्नाटक यक्षगान नेशनल डॉक्टर्स डे जून में बैठे एक जुलाई किसके सम्मान में मनाया जाता है ना पश्चिम बंगाल के एक डॉक्टर थे उनका नाम उनको हाल ही में उनको पद्म विभूषण की दिया गया है शायद नामों हम थोड़ा भूल रहे हैं नाम लिखल लिखल देखिए हम अरे प्रधान चंद्र कुछ है कुछ कुछ है सही रोए कुछ का है नाम सही अगला बार देख ले लास्ट हाँ चलिए कोई बात नहीं मतलब याद है आगे तो मार देंगे लोग रहने देना जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है 1 जुलाई ठीक है
गेल का पूरा नाम गेल जी आई एल गेट गेट ऑफ गेट कहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया बात वही देखा ना जी आई एल गैस गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ऑफ इंडिया लिमिटेड गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के फुल फॉर्म इसके हेड कौन है गेल के हेड संदीप गुप्ता संदीप कुमार गुप्ता संदीप कुमार गुप्ता हाँ भारत की 12वीं महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पावर फाइनेंस लिखे हैं पावर ग्रिड पता ना मे बी दोनों से कौन क्वेश्चन कंफर्म नहीं हुआ हाउ तो आर ए सी वाला है आर ई सी शायद उसका नाम है बड़ा हवा अच्छा चलिए कोई बात नहीं हाल ही में किस शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर किया गया है संभाजी नगर अरे यार गुलशनवा कहाँ बा बांका औरंगाबाद औरंगाबाद मतलब बिहार वाला औरंगाबाद ना महाराष्ट्र वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पहले हो चुका है बताइए लोग केप स्टोन अंतरिक्ष मिशन किसका है किस स्पेस एजेंसी का है नासा का कहाँ जाने के लिए है मंगल चंद्रमा नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश ठीक है मलेशिया ओपन टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है मलेशिया ओपन में फुटबॉल कैसे घूम चाहिए हम तो लोग हाँ तो हम तो टेनिस जाकर फसबॉल हो लेकिन टेनिस ना बैडमिंटन हो कि बैडमिंटन गलती हो ऐसा कहलोगे तनिक सहल जा सके यही से क्वेश्चन पूछना है मलेशिया ओपन टूर्नामेंट बैडमिंटन से संबंधित है इसका विनर कौन है ये इम्पोर्टेंट रखता है अमेरिका ये मलेशिया का ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसको जीता कौन है ये इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया विक्टर एक्सेलसन अच्छा पर्सन विक्टर एक्सेलसन ऑपरेशन नार्कोस का संबंध किससे है इंटेलिजेंस नार्कोस का संबंध ऑप्शन अभी तो बता देती भारतीय रेलवे सबसे कम उम्र की स्पीकर कौन बनी है हाँ अभिजीता गुप्ता ना सॉरी कौन बनी है चाहे बना है बना है बना है अभिजीता गुप्ता अरे महाराष्ट्र के स्पीकर जिनका नाम है राहुल नार्वेकर राहुल नार्वेकर सबसे कम उम्र के ये स्पीकर बने हैं एक और क्वेश्चन दिमाग में है लेकिन आंसर हमको नहीं पता है पूछे उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर आज कुमार गौरव सर क्लास में कराए आज हम नहीं किए हैं एक मिनट शांति कुमारी ना शांति कुमारी ना होगा शांति श्री धुनी परी ना उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के ना सॉरी उत्तराखंड की प्रथम महिला स्पीकर कोहली कौन होगा रितु खांडेली रितु खांडेलिया नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लोग कैंप गोडा एयरपोर्ट कहाँ है कैंप गोडा एयरपोर्ट ऑप्शन देते हैं रुको अंडमान निकोबार पुडुचेरी कर्नाटक आंध्र प्रदेश कर्नाटक हम कहीं शायद एकदम कर्नाटक हम जान उसके अंडमान निकोबार बताए लोग अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन है स्मृति ईरानी हाँ ईरानी जी वाली स्मृति जुबैन ईरानी वीडियो YouTube पर डला है लगा और डला जाए YouTube पर सुन ले स्मृति रानी पक्का कहते हैं मार बम तो उड़ा दे ये खाली काट के जमाना तो जब कर जब तो कर ही चाल हम ऊपर जमाना जब को थोड़ा सामने उड़ा दे अच्छा चलो ठीक है बहुत बढ़िया की बात बा तो यहीं पे समाप्त किया जाए हम लोगों का डिस्कशन समाप्त हो रहा है बगल में दुगोला स्टार्ट हो रहा है जिनको भी देखना हुआ चाहिए कल चलिए तो कल जो टॉपिक है क्या था पल्लव जल्दी बंद कर दे के बाद